फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनीस किचन। फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी एक चाइनीज डिश होगी। है चाइनीज, बट आजकल तो हमारे इंडिया में चाइनीज फूड इतने फेमस हो गए हैं कि हर एक गली में, हर एक रेस्टोरेंट में चाइनीज फूड मिलते हैं। लेकिन चाइनीज फूड बच्चे बड़े सबको पसंद आते हैं। बच्चे अक्सर जिद करते रहते कि हमें चाइनीज खानी है, फ्राइड राइस खानी है, नूडल्स खानी है एंड ऑल दैट। और हम रेस्टोरेंट जाके बच्चों का जिद पूरा कर देते हैं, खिला देते हैं। बट रेस्टोरेंट्स में जो चाइनीज फूड होती है सबको पसंद आती है, बट उसमें फ्रेंड्स अजीनोमोटो होती है, जो सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। हम अपने बच्चों को सेहतमंद देखना चाहते हैं और उनके हेल्थ प्रति बहुत ध्यान रखते हैं, तो हम क्यों अनहाइजीनिक फूड खिलाए। रेस्टोरेंट जाना चाहिए, ऐसे नहीं जाना चाहिए, बट हम घर पे भी कभी कभी ट्राई करना चाहिए, बच्चों को खुश कर देना चाहिए खिला के। अगर हम घर पे ही रेस्टोरेंट वाली लुक, रेस्टोरेंट वाली टेस्ट के साथ अगर कुछ चीज बना सकते हैं तो क्यों ना बनाएं। तो चलिए, किस बात की देरी, स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी वेज फ्राइड राइस। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वेज फ्राइड राइस बनाने के लिए हमने लिया है ये चाइनीज के राइस। चाइनीज के राइस को पहले आपको 20 मिनट भिगोना है। भिगोने के बाद पानी, 2 कप पानी लीजिए। हाफ कप राइस के लिए 2 कप पानी लेनी है। पानी अच्छी तरह से उबल जाए उसके बाद उसमें 1 बड़े चम्मच तेल और थोड़े से सॉल्ट डाल के ये उबले भिगो के रखा हुआ चावल को डाल के उबालना है। चावल जब इस तरह से फूल जाए तो आपका राइस तैयार हो गया है। जब राइस बन जाएगा, फूल जाएगा अच्छी तरह से, तब इसे छान के स्ट्रेन कर लेना है। स्ट्रेन करने के बाद इसे 1 बड़े वाले प्लेट में अच्छी तरह से फैला के पैन के नीचे रख दीजिए। चावल अच्छी तरह से सूख जाएगा, खिला खिला बना हुआ है, और इस तरह से खिला खिला चावल ही चाहिए चाइनीज बनाने के लिए। अभी ही हमारे चावल रेडी है, इसे हम साइड में रखते हैं। और हम वेजिटेबल्स में लेंगे कैबेज, या फिर इसे बंद गोभी कहते हैं। इसे मैंने फाइनली लंबा लंबा स्लाइसेस में काट के रखा हुआ है। और हम लेंगे स्प्रिंग ऑनियन बल्ब्स, इसे भी इस तरह से देखिए कुछ डायमंड शेप्स में इन्हें काट के रखा हुआ है। और थोड़ी सी ग्रीन स्प्रिंग ऑनियंस, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ ये शिमला मिर्च, इसे भी मैंने लंबा लंबा बारीक बारीक काट के रखा हुआ है। कद्दूकस किया हुआ अदरक, कद्दूकस किया हुआ अदरक हम लेंगे 1 टीस्पून। 1 टीस्पून हम लेंगे फाइनली चॉप करके रखा हुआ गार्लिक, और 1.5 कप तक हम लेंगे कैरेट। वेजिटेबल्स फ्रेंड्स आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप चाहे तो 1/2 कप ले सकते हैं। अगर ज़्यादा वेजिटेबल आप डालना नहीं पसंद करते तो 1/4 कप भी ले सकते हैं। और ये लेंगे फ्रेंच बीन्स, हम 7-8 फ्रेंच बीन्स लेके इसे फाइनली चॉप करके रख लेंगे। और मैंने फाइनली चॉप किया हुआ ग्रीन चिली लिया है, थोड़ी सी ग्रीन चिली के सॉस, 1 टीस्पून हम लेंगे ग्रीन चिली सॉस, और 1 टीस्पून लेंगे विनेगर, सोया सॉस लेंगे 1 टीस्पून, सॉल्ट टेस्ट के अनुसार 1/4 टीस्पून या फिर 1/4 चम्मच, छोटे चम्मच हम लेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिरी के पाउडर हम लेंगे 1/4 छोटी चम्मच। तो फ्रेंड्स, और हमें 3 टेबलस्पून हम लेंगे ऑयल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कढ़ाई लिया है, कढ़ाई में तेल ले लिया है, तेल को गर्म होने देते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आप चाइनीज बनाएं इतना याद रखें कि चाइनीज, जो भी चाइनीज आप बना रहे हो, या फिर नूडल्स बना रहे हो, राइस बना रहे हो, जिस प्रकार की भी चाइनीज डिश बना रहे हो, फ्लेम हमेशा तेज रखना होगा। ये हाई फ्लेम में ही पकती है और सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाई जाती है। तो हमारा तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा जिंजर, गार्लिक, और ये हमारा प्याज सॉटे कर लेंगे। ये फ्रेंच बीन्स, फ्रेंच बीन्स को आप डायमंड शेप में भी काट के ले सकते हो या फिर फाइनली चॉप कर सकते हो। अब लेंगे ये शिमला मिर्च, गाजर, टमाटर,
ग्रीन चिली, कैबेज, फ्रेंड्स हमने अभी सारे सब्जियां डाल दिया है। हम अभी थोड़े से सॉल्ट डाल देते हैं। ये ग्रीन चिल्ली सॉस, विनेगर, फ्रेंड्स अभी हम ये राइस ऐड कर लेंगे। अब हम ये जो स्प्रिंग अनियन से थोड़े से डाल देते हैं और ये हमारा सोया सॉस। चाइनीज डिश में सबसे मेन इंग्रेडिएंट मिक्स कर लेंगे। अभी और थोड़ी सी हम सॉल्ट डाल देंगे। फाइनली हम डालेंगे इसमें ब्लैक पेपर पाउडर। आपके पास अगर व्हाइट पेपर अवेलेबल है तो उससे पाउडर आप डाल सकते हैं। देखिए हमारा वेज फ्राइड राइस रेडी हो गया है। अब हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। चाइनीज फूड जो भी हो गर्मा गर्म खाने से ही मजा आती है, ठंडा होने में वो मजा नहीं आती है जो गर्मा गर्म खाने से मिलती है। तो चलिए सर्व कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए हमारा फ्राइड राइस सर्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स फ्राइड राइस बनाना बहुत ही इजी, इनफैक्ट चाइनीज डिशेस बनाना बहुत इजी है, बहुत झटपट बनती है। थोड़ी सी ध्यान रखने की जरूरत है और ये बहुत ही अच्छा टेस्टी यमी डिलीशियस है। बच्चे बड़े सबको पसंद आती है। हम अक्सर रेस्टोरेंट्स में जाके हम ये खाते हैं बट वहाँ पे क्या होता है उसमें अजीनोमोटो डाला होता है। अजीनोमोटो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता, इनफैक्ट बच्चों के लिए तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए अजीनोमोटो। मैं यहाँ पे स्प्रिंग ऑनियन टॉपिंग कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स इस बार आप ये रेसिपी को घर पे बनाइए, बच्चे और अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए, उसका मजा ही कुछ अलग है। और हम इसे थोड़ी सी सेजवान सॉस के साथ सर्व करेंगे, इसके बिना ये डिश का मजा नहीं आता है। फ्रेंड्स ये सेजवान सॉस भी होममेड है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, वहां से आप चेक कर लीजिए। फ्रेंड्स आपने देखा रेसिपी कितनी इजी थी बनाना, और ये रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।